आका पाक ने फरमाया मेरा उम्र बड़ा चंगा है, राती ए भी ध्यान रखता केड़ा भुखा सोता है, ध्यान रखता फिर उन्होंने घर तक खाना पहुंचाता है। तो एक बद्दू हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आया, तो साज उसकी ना जोजा भी थी, और रावी लिखते हैं कहते हैं कि उसकी जोजा ना उम्मीद से थी, तो बच्चे की विलादत ना बिल्कुल करीब होने वाली थी। तो वो चलते 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 जब मदीने के करीब पहुंचा तो रात होगी, उन्होंने उधर ही खैमा लगा लिया। तो हजरत उम्र फरूक रात को खबर गिरी के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने जब देखा ना एक मकाम पे वो चल रही है, शम्मा चल रही है, तो आपने अपने गुलाम को भेजा, कहने लगे यार उधर जाओ देख के आओ कौन आया है। तो वो गुलाम गया तो वो बद्दू था ना, देहात का था, तो तुम पता देहाती बंदे थोड़े सख्त होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? बद्दू कहने लगा तेनू पहले दसा, तुम्हें क्यों बताऊं? हजरत उम्र फरूक गए, उन्होंने भी यही आख्या। उसने कहा अंदर, तो हजरत उम्र फरूक कहने लगे अंदर कराहने की आवाज आ रही है, दर्द की शिद्दत की वजह से कोई तड़प रहा, बताओ तो सही मामला क्या है। वो कहने लगा मैं तो उम्र फरूक का दीदार करने के लिए आया। बाबी दसिया नहीं कि मैं उम्र हूँ, देखो सही कहते मैं उम्र का दीदार करने के लिए आया हूँ, तो गरीब हूँ इसलिए इधर खैमा लगा लिया है, तो मेरी जो जोजा है ना वो उम्मीद से है, तो वक्त विलादत बिल्कुल करीब आ पहुंचा है, यह नहीं दसिया मैं उम्र। फौरन अपने घर गए तो किसी कनीज को नहीं बुलाया, अपनी बीवी को कहने लगे मेरा जो दोस्त है ना, हाय हाय पहली मुलाकात सी और ये था इखलास, कहने लगे मेरे दोस्त की बीवी उम्मीद से है तो अजर नहीं कमाना, कमाना है। मैंने कहा फिर जरूरी साजो सामान लो, यहां तक लिखा है बीवी ने साजो सामान खुद लिया और हजरत उम्र फरूक ने लकड़ियां चुकाइया। वक्त का खलीफा है इसे रियासत मदीना कहा जाता है। हजरत लकड़ियां चुकाइया और हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह तआला ने लकड़ियां उठा के जब तशरीफ लाए फिर भी नहीं दसिया कि मैं उम्र हूं, बल्कि यहां तक रावी ने लिखा कहने ने वो जो था ना बद्दू हजरत उम्र फरूक को कभी कहता है ये काम करो ये काम करो ये काम करो, हजरत उम्र फरूक करी जा रहे ने, और कहते हैं फिर बाद भी कहता सिया है वो जो औरत साथ लेके आए हो उसको काम भी आता है कि नहीं आता, मेरी सोजा को कोई तकलीफ ना पहुंचे है कोई नुकसान ना पहुंचे है। तो हजरत उम्र फरूक मुस्कुरा के कह देते हाँ उसे आता है बेहतरीन काम आता है। तो कहते हैं जब बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से आवाज आई ए अमीरुल मोमिनीन बेटे की विलादत हुई है, उदे पैरों थलो जमीन निकल गई कि ये उम्र फरूक है जिन्हों मैं कहना पे हाँ पानी फड़ा, ये उम्र फरूक है, ये उम्र फरूक है, इसको रियासत मदीना का हुक्मरान कहा जाता है। फिर देखो उसने क्या कहा, उसने कहा रोते हुए उसने कहा आप वो उम्र है जिसको मुस्तफा ने मांग के लिया था, आप वो उम्र है। हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब ये सुना ना उसने ये कहा हुजूर ने मांग के लिया था, हजरत उम्र फरूक भी तड़पे है तो आपने उसको सीने से लगाया, कहा आपने कहा ये रियासत मदीना है, यहाँ पे अमीरों के इस्तकबाल नहीं होते गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। तो दोस्तों हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह इतनी मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन आपकी शहादत का सिर्फ आखिरी लम्हा बयान करना चाहता हूँ कि जब आप पर वार किया गया तो उम्र फरूक रजी अल्लाह तआला को बताया गया, हम देखो ना कितना सख्त वार किया गया सी है हम अबू लूलू की तरफ, तो हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह तआला को बताया गया नमाज का वक्त हो गया है, आपने कहा जी हाँ नमाज का वक्त हो गया है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। कहते हैं शदीद जख्मी हालत के अंदर फरूक आजम ने नमाज को नहीं छोड़ा, ये थे उम्र फरूक, या थोड़ी जी भी गैरत कोई अंदर जागे ना तो गौर करे कि नहीं आपको नमाजा पढ़नी।